Thank you for subscribing my first channel and supporting my first video. Okay, today we are studying probability and I hope you will enjoy that lesson. Okay, probability का एक simple meaning आपको कहूँ तो संभावना. कोई भी चीज़ का संभावना करना उसे कहते हैं probability. ठीक. अब probability के अंदर ये सब main word हैं जो आपको सबसे पहले बता होना चाहिए probability सीखने से पहले. उसमें first word आता है random experiment. रेंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग होता है एक एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट तो होगा पर उसका आउटकम मतलब उसका प्रिडिक्ट आप नहीं बता सकते. फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉइन है, उसका एक हेड है एक टेल है. आपको ये बताया कि उछालने के बाद हेड आएगा कि टेल आएगा, पर आप ये नहीं बता सकते हेड ही आएगा और टेल ही आएगा. ऐसे ही आपके पास कॉइन आपके पास क्यूब होते हैं सिक्स, उसमें सिक्स नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6. उसमें भी आप को बताया कि उछालोगे तो एक जरूर आएगा, पर आपको ये नहीं बता सकते वन ही आएगा कि टू आएगा ए थ्री आएगा ए फोर आएगा. उसे कहते हैं रेंडम एक्सपेरिमेंट. अब नाउ वी आर टॉकिंग सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस मीन्स द सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ रेंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस को आप यू से भी डिनोट कर सकते हो. आदि सैंपल स्पेस का जो आउटकम होता है इस रेंडम एक्सपेरिमेंट का वो यदि फाइनाइट हो तो उसे कहते हैं फाइनाइट सैंपल स्पेस. यदि उसका सैंपल यदि रेंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम यदि इनफाइनाइट हो तो उसे कहते हैं इनफाइनाइट सैंपल स्पेस. नाउ वी आर टॉकिंग इवेंट. इवेंट का मीनिंग होता है फॉर एग्जांपल आपके पास यू है, मतलब यू मीन सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6. ओके. नाउ आप एक ए को आप एक इवेंट कह सकते हैं. ए में आपने लिया है 1 4 एंड 6. ए सबसेक्ट यू, ए का जो सारे एलिमेंट है वो यू के अंदर सबसेट हो रहे हैं. ए को आप इवेंट कहोगे और यू को आप सैंपल स्पेस कहोगे. इसे कहते हैं इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट मीन्स आपने एक इवेंट ए इवेंट ली ए, उसमें नंबर लिखा 7. अब इसमें ए डज नॉट सबसेक्ट यू, उसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट को आप 0 भी लिख सकते हो, इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हो, और इस तरह से तीनों में से आपको जो यूज करना हो आप कर सकते हो. नाउ वी आर स्टडिंग सर्टन इवेंट. सर्टन इवेंट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है. 1 मतलब देखिए ए इजिकल टू 1 2 3 4 5 6, मतलब सारे के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं, इसलिए इसे कहते हैं 1 इवेंट. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मीनिंग होता है, देखा आपके पास यू तो दिया है, अब देखिए ए मैंने लिया 1 4 6. ओके डन. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है ए के सिवा. क्या होता है ए के सिवा? तो ए के सिवा एलिमेंट को इस तरह से डिनोट कर सकते हो आप ए सी और ए बार के सिवा. ऐसे तो ए के सिवा कौन से एलिमेंट है उसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं. कौन से हैं? एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है. इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. अब देखिए इंटरजेक्शन और यूनियन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दैट लेसन, इन प्रोबेबिलिटी लेसन. इंटरजेक्शन मीन्स ए इंटरजेक्शन बी. इंटरजेक्शन को आप डिनोट करते हो इस तरह से और यूनियन को डिनोट करते हो आप इस तरह से. इंटरजेक्शन का सिंपल मीनिंग आपको मैं बता रहा हूँ कि यू में आपने एलिमेंट लिए 1 2 3 4 5 6. ओके. अब ए इवेंट है 1 3 5 6, बी में 2 4 6. ओके. अब इन दोनों के अंदर जो कॉमन होता है उसे कहते हैं ए इंटरजेक्शन बी. फॉर एग्जांपल इसके अंदर कॉमन क्या हो रहा है 6. अब आपको इसको फिगर के तौर से देखना हो, ए का फिगर है ए बी का फिगर, तो इन दोनों के अंदर जो कॉमन हो रहा है वो 6 आएगा इस साइड, और ए के एलिमेंट क्या है 1 3 5 इस साइड रहेंगे और 2 और 4 इस साइड रहेंगे. ओके. इन होता है सेम, मतलब दोनों को मिला देने का. यूनियन का सिंपल मीनिंग कहो तो प्लस कह सकते हो आप इसी एक तरह से. ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मीनिंग हो क्या होता है ए और बी को प्लस कर दो, पर जो रिपीट हो रहा है उसे एक ही बार लिखने का. फॉर एग्जांपल को लिख के बताता हूँ 1 है 1, इसके अंदर भी रिपीट नहीं हो रहा, 2 है 3 है 4 है 5 है. अब 6 दो बार रिपीट हो रहा है, आपको लिखना एक ही बार है. ए बन गया ए यूनियन बी. ओके. अब देखिए अब हम सीखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड
एग्जॉस्टिव. एक्सक्लूसिव मीन्स ए इंटरजेक्शन बी इज इक्वल टू पाई. मतलब पाई मतलब ए इंटरजेक्शन बी को आप मिलाते हो तो दोनों के अंदर कोई भी कॉमन नहीं होता, उसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. और एग्जॉस्टिव मीन्स ए यू यूनियन बी इज इक्वल टू यू. मतलब अब आप अरे ए इवेंट के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट को प्लस दोनों को मिलाते हो तो आपको मिल जाता है यू, इसे कहते हैं एग्जॉस्टिव. और यदि ए और बी के अंदर कोई भी कॉमन नहीं होता उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव. डिफरेंशिएट अब इसमें क्या होता है, ए माइनस बी जो एलिमेंट ए के अंदर जो प्रेजेंट है वो बी के अंदर नहीं होना चाहिए. वापस दोहरा रहा हूँ, जो एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है वो बी के अंदर नहीं होने चाहिए. मतलब बता रहा हूँ, देखिए आपके पास ए है आपके पास बी है, तो सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कीजिए. तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हो तो एक तो कॉमन नहीं है, टू कॉमन है, फोर कॉमन है, तो ये कॉमन आ गया. अब डिफरेंस का मीनिंग होता है ए माइनस बी, जो एलिमेंट बी के अंदर ए के जो मौजूद है उसे निकालना है आपने. तो देखिए कैसे निकालेंगे, ए माइनस ए इंटरजेक्शन बी. अब ए में क्या है, वन टू थ्री फोर, और कॉमन क्या है, टू और फोर, तो बचा गया वन और फोर, इसे कहते हैं डिफरेंशिएट. इसको आप ग्राफ के तौर पे बताऊं तो देखिए, ओके ए का ग्राफ है, रुको ए का ग्राफ है और ए बी का ग्राफ है. ओके अब ए के एलिमेंट क्या है, वन टू थ्री फोर, और ए इंटरसेक्शन बी का क्या है, के बी का एलिमेंट क्या है, टू फोर फाइव सिक्स. ओके अब हमें बस इतना बताना है, हमें क्या बताना है, सिर्फ इतना बताना है. तो देख लीजिए इतना ही बता रहे हैं, देख लीजिए वन और फोर, टू और फोर क्या है, कॉमन है, तो टू फोर को हमने निकालना है, और इस बी का एलिमेंट क्या है, फाइव और सिक्स है. तो मतलब हमें सिर्फ ए के एलिमेंट बताने हैं, बी के एलिमेंट भी नहीं बताने और दोनों के जो कॉमन है वो भी नहीं बताने. मतलब डिफरेंस का सिंपल मीनिंग है कि जो एलिमेंट ए के बी में प्रेजेंट है वो बी सारे निकाल लें, अब मैं सिर्फ ए के एलिमेंट ही बताने हैं. देखिए अब वी आर टॉकिंग अबाउट सम, द सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सिलेक्टिंग नंबर इज यू. यू आपके पास दिया है वन से लेकर 20 तक. ओके अब आपको इवेंट बनानी है, क्या बनानी है, इवेंट. इवेंट मीन्स आपको बस ए बी सी ले खाली इवेंट बनानी है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना. इवेंट में फर्स्ट आपको क्या बोला है, सिलेक्ट नंबर इज ओड नंबर, क्या होना चाहिए, ओड नंबर. तो ओड नंबर कौन से होते हैं, वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन नाइनटीन ओनली. ओके वन और ट्वेंटी के बीच में लिखना. और ओड नंबर को आप नहीं समझ पा रहे तो वो बता देता हूँ, जो नंबर दो से डिवाइड नहीं होता उसे कहते हैं ओड नंबर. अब सेकेंड इवेंट बनानी है, द सिलेक्ट नंबर इज डिविजन बाय थ्री. अब डिविजन बाय थ्री कौन सा होगा, थ्री का टेबल लगा दीजिए, थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन और एटीन. नाउ सिलेक्ट नंबर इज डिविजन बाय टू और थ्री. अब देखिए और का मीनिंग मैं बता देता हूँ, उसे कहते हैं यूनियन कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनियन. अब देखिए और बोला है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले दो से मल्टीप्लाई होने वाले अपने बनाएंगे पहले इवेंट, टू फोर सिक्स ए टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी बी. अब बी क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय थ्री से, जो थ्री से मल्टीप्लाई होता है वो बनाएंगे, थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन. ओके अब मैंने कहा था कि यूनियन जब आता है, यूनियन बी आप जब करते हो तो जो नंबर दो बार रिपीट होता है उसे एक बार ही लिखोगे. तो इसमें कौन सा ऐसा नंबर है, सिक्स, तो आप उसको एक बार लिखोगे, ट्वेल्व वो भी एक बार लिखोगे, तो क्या बनेगा, टू थ्री फोर सिक्स एट नाइन टेन ट्वेल्व फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी. चलो अब आप एक अच्छा सा समय आगे बढ़ते हैं, मैं आई होप
आप लोग इन्जॉय भी कर रहे हो, आप लोग समझ भी रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि मुझसे कुछ भूल होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस भूल को सुधारूंगा भी। ठीक, नाउ वी आर स्टडिंग 7 नंबर सम। वन फैमिली सिलेक्टेड फ्रॉम फैमिली हैविंग टू चिल्ड्रन। अब एक इसी को सेंटेंस को आप पहले समझते हैं क्या है। एक ऐसी फैमिली बनाओ जिसके दो बच्चे हो, तो उसकी संभावना क्या होगी? पहले देखिए कि पहला है बॉयस हो सकता है तो सेकंड भी बॉयस हो सकता है। पहला बॉयस हो, सेकंड गर्ल्स हो, ऐसा भी हो सकता है दोनों गर्ल्स हो, और ऐसा भी हो सकता है गर्ल्स हो बॉयस हो बाद में। तो ऐसी चार आप बन सकती है, उसके सिवा आपके पास और कोई संभावना नहीं कि बन सके। अब देखिए वो होने क्या चाहिए, मेल और फीमेल, हमने बॉयस और गर्ल्स में कर दिया है। स्टेट द सैम्पल स्पेस ऑफ एस्पिरेंट, हमने एस्पिरेंट बना दिया है। अब हमें इवेंट बनाने को बोला है। इवेंट फर्स्ट में क्या बोले, वन चाइल्ड इज फीमेल, वन चाइल्ड इज फीमेल, तो वन चाइल्ड इज फीमेल कौन सा है, एक टू, इसके अंदर दो फीमेल है इसलिए हम नहीं यूज कर सकते। इसमें एक ही फीमेल है, इसमें भी एक फीमेल है, तो फर्स्ट की इवेंट क्या हुई, जी बी ओ बी जी। अब देखिए एटलीस्ट, अब अपने सेकेंड सम में जा रहे हैं, सेकेंड इवेंट में जा रहे हैं। एटलीस्ट वन चाइल्ड इज फीमेल, एटलीस्ट, एटलीस्ट मीन्स ए यूनियन बी होता है। मैं अभी से बता देता हूँ एटलीस्ट का मीनिंग होता है यूनियन, और एंड और बोथ आता है तो इसका मीनिंग होता है ए, इंटरजेक्शन। ओके, यूनियन का मीनिंग होता है एटलीस्ट में यूनियन का यू होता है और एंड बोथ आता है तो इंटरजेक्शन का सिंबल बताता है। तो अब देखिए एटलीस्ट आया ए यूनियन बी, मतलब एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है, जीरो हो तो भी चलेगा, वन हो, ए आपको बोला एटलीस्ट वन चाइल्ड इज अ फीमेल, एटलीस्ट वन चाइल्ड मतलब एक होगा तो भी चलेगा, दो होगा तो भी चलेगा, तीन होगा तो भी चलेगा, पर एक से कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए पहले देखिए एक चाइल्ड होने वाली फीमेल कौन सी रहेगी, ये वाली सेकंड एरी। अब देखिए इसने क्या बोला, एटलीस्ट बोला है, एक होगी तो भी चलेगा, दो होगी तो भी चलेगा, तो दो होगी तो भी चलेगा मतलब ए रही। अब देखिए थ्री तो अपने पास है ही नहीं ऑप्शन, इसलिए इसका आंसर हो गया बी जी जी बी जी जी। आई होप आप लोगों ने समझ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ प्रोबेबिलिटी लेसन के। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर माय वाचिंग माय वीडियो।